नमस्ते विनोद भाई। नमस्कार। मुझे आपसे ये खास आपका परिचय इसलिए देना है कि आप हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो और यहाँ के खास कार्यकर्ता हो और सभी पेशेंट आप बराबर देखते रहते हो, न केवल पेशेंट देखते हो पर पूरी बात संभालते हो। आज हमारी जो टॉक है इसलिए टॉक शो इसलिए रखा गया है कि हमारी जो ट्रीटमेंट करके जाने वाले और जो आने वाले हैं उनको सबको बहुत सारी प्रश्न होते हैं, बहुत सारे जवाब सवाल चाहिए होंगे। तो आपकी मैं थोड़े से इंटरव्यू की इसलिए बात चाहता हूँ कि आप अपनी बात बताएं और पूरे अनुभव के साथ में शॉर्ट में एक एक शब्द की एक एक बात की व्याख्या करिए। हमारे पास में जो पेशेंट आने वाले हैं उनको और जो आ गए हैं उनको कुछ प्रश्नों के समाधान हमेशा रहते चाहिए, कुछ उत्तर चाहिए, कुछ बातें चाहिए, कुछ करने को चाहिए। और हम लोग अब हमारी जो पेशेंटों की संख्या लाखों में हो गई है और हम लाखों में जो पेशेंट हैं उनका बढ़िया से जवाब सबको एक साथ में एक 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 फ़ोन पर नहीं ले सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा क्वेरी किए बिना कम क्वेरी में लोग समझ जाएं और अपने यहाँ पर पेशेंट या तो यहाँ आकर ट्रीटमेंट करवा लें क्योंकि अब खुल रहा है सब कुछ, और यहाँ पर ऑनलाइन करवा लें या दवाइयाँ मंगवा लें, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फॉर्मुलेशन मतलब फिक्स फार्मूला भी है और डायग्नोसिस के ऊपर भी है, प्रश्नोत्तरी पर भी है और चेकिंग पर नहीं है। हम चेकिंग नहीं मानते हैं। चेकिंग करना मतलब टेस्टिंग करना, टेस्टिंग करने का मतलब लोगों को एक ऑपरेशन सर्जरी मशीन बेचने की तरफ ले जाना। हमारे अंदर वो कुछ नहीं है। कान में डालने की दवाई, खाने की दवाई से बिना मशीन बिना ऑपरेशन के सुनने की क्षमता बढ़ाने की होती है और वो बढ़ा रहे हैं, बढ़ता गया है, बढ़ता हो रहा है, सब कुछ ठीक रहा है। इसी विषय में प्रकाश चाहिए आपका। देखिए सर, अभी जब तक इंडिया में कोरोना नहीं आया था तब तक तो हम लोग रेगुलरली पेशेंट को यहाँ अटेंड करते थे हमारे सेंटर पर, पर कोरोना के बाद माहौल ऐसा बन गया है कि लोग ट्रैवल नहीं कर सकते या सुविधाएं नहीं है या डर है, तो उनके लिए एक खुशखबर है कि वो घर बैठे भी अपना इलाज करवा सकते। अब इसके लिए उनको करना क्या, क्योंकि देखिए एलोपैथी में सिस्टम होता है कान चेक करेंगे, चार रिपोर्ट निकलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि आप कितने बहरे हो, बट उनके पास इलाज नहीं है, वो कोई इलाज नहीं कर सकते आपका, केवल मशीन थमा देंगे कि भाई मशीन पहन लो, अब देखो जितनी देर मशीन चलती है चलेगा कान, नहीं तो गया फिर। पर सर हमारा तो टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि बिना मशीन बिना ऑपरेशन के हमें लोगों को सुनवाना है, लोगों को ठीक करना है। तो इसके लिए यदि ऑनलाइन घर पे बैठे यदि आप ठीक होना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल, क्योंकि हम कान नहीं चेक करेंगे, हमें केवल आपका हिस्ट्री चाहिए, आपके सिम्टम्स चाहिए, जो हम फोन पे भी डिस्कस करके शेयर कर सकते हैं और दवाइयाँ बन जाती है। चेकिंग भी कैसे करते हैं, वर्बल चेकिंग होती है, वर्बल ही होता है सर, मशीन से लगाया टोर्च लगाया ना, तो हम कोई उसका एक्सरे करवाते हैं ना ही उसका MRI कराते हैं, कुछ नहीं करते हैं और परिणाम एक एक घंटे में आने लगते हैं। हाँ सर, जैसे कि हम लोग जो पहले किया करते थे रेगुलर पेशेंट में सबको टेस्टिंग बारी बारी से प्रैक्टिकली चेक करते थे कितना सुन रहा है, अब कितना सुन रहा है, तो पेशेंट को भी अच्छा लगता था कि हाँ भाई मैं पहले जब आया ट्रीटमेंट नहीं लिया था मुझे ये हुआ था, अभी मुझे इतना फर्क लग रहा है। और उनके वीडियो हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं तो लोग देख के समझ सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ रिजल्ट कितना बढ़िया मिलता है लोगों को, और सबको रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिला, बट सबको रिजल्ट मिलता है और लोग खुश होके जाते हैं कि हाँ भाई। कई बार तो पैरों में गिर जाते हैं सर के, सर आपने ये मेरा बच्चा नहीं सुन रहा था, नहीं बोल रहा था, उसको नया जीवन मिल गया है, तो सर ये सब देख के ना बड़ा अच्छा लगता है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। विनोद भाई यहाँ से जाने के बाद में सब लोग विनोद भाई को याद करते हैं और वो सब पूछते हैं कि विनोद भाई से बात करवाइए, तभी को धीरे धीरे बात हो सकेगी शांति के साथ में। फिर से प्रश्न ये है विनोद भाई कि हम लोग जब हम लोग दूर से दवाई भेजेंगे तो क्या करते हैं, और अभी सेंटर पर हमारी जो व्यवस्थाएं की गई है कोरोना की छोटी मोटी टेस्टिंग करते हैं हम लोग, स्प्रे वाला ला के रखे हैं, हैंड स्प्रे रखे हैं, टोर्च ला के रखी है, टेस्टिंग रूम बनाया है अलग से, आने के बाद में एंट्रेंस में ये बना दिया गया है, एंट्रेंस में सारी व्यवस्थाएँ की हमने। और ये तो ये दूसरी बात, जब पेशेंट यहाँ आकर के हमारे पास में बैठता है तो उसको इतना मन हल्का हो जाता है उसका कि हर्ष
हम सही जगह पहुंच गए, क्योंकि वातावरण ही बड़ा सुरम्य है। सही बात, और खास करके कोरोना के चलते हमने अपने सेंटर पे जो सैनिटाइज मशीन होते हैं, जैसे फीवर चेक करना, ये रेगुलर बेस पे हो जाता है, ताकि कोई ऐसा पेशेंट ना आ जाए कि जिसका इन्फेक्शन किसी और को भुगतना पड़े, तो सुविधा के सारे उपचार हमने मौजूद किए। सर मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ ऐसे मतलब कि अनक्वेरी वाले क्वेश्चंस हैं, उनका कुछ जवाब दीजिए। आपकी पेशेंट को क्या चाहिए? सर देखिए, पेशेंट का पहला क्वेश्चन होता है कि भाई हम आपको ऑनलाइन यदि पेमेंट करते हैं तो ये क्या गारंटी है कि आप फ्रॉड नहीं है, या हमारे पेमेंट लेने के बाद दवाई हमारे पास नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं श्योरिटी से बोलता हूँ कि पिछले 50 साल से अहमदाबाद में एक ही जगह पे हमारा सेंटर मौजूद है। आप चाहे तो आप किसी रिलेटिव या अपने दोस्त रिश्तेदार से बोल के कन्फर्म करवा सकते हैं कि भाई अहमदाबाद में ये सेंटर इस जगह पे है या नहीं है। दूसरी बात, हमारे लाखों पेशेंट हैं, पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर से लोग हमारे पास दवाई करवाने आते थे, अभी मंगवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिविटी दिमाग में मत लाइए। आपने पैसे दिए हैं तो 100% आपका इलाज संभव है और घर बैठे संभव है, चिंता मत कीजिए। खास बात तो ये है कि हम लोगों ने, जो लोग ठीक हुए हैं वो हजारों हजारों की संख्या में सोशल मीडिया पर वीडियो डाले जा रहे हैं, और वो वीडियो इतने लाइक किए जा रहे हैं, एक कई कई वीडियो तो ऐसे जिनको दो दो ढाई लाख लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, और उनकी प्रतिक्रिया इतनी अच्छी होती है कि उनको देखकर कर फोन करते। टीवी चैनल में हमारा एक स्क्रोल चलता है, नशे सूख जाने से आए हुए कान के तमाम प्रकार के बहरापन को बिना मशीन बिना ऑपरेशन के सुनवाने की क्षमता बढ़ाने के स्पेशल कैंप हमारे अहमदाबाद में लगे हैं। पर आने से पहले अपने YouTube और Google के ऊपर, सोशल मीडिया पर, Instagram पर हमारी वीडियो देखें, लोगों के आशीर्वाद सुने, उनके उद्धार सुने, आपको विश्वास हो तभी आप यहाँ आने का मन बनाएं या दवाइयाँ बनाएं, दवाइयाँ मंगवाइए। सर एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, ज़्यादातर लोग पूछते हैं हमें कि हमने YouTube पे वीडियो देखा था सर का, जिसपे सर ने बोला है कि भाई एक घंटे में एक कान रेडी हो जाता है, दूसरे घंटे में दूसरा कान रेडी हो जाता है, तो हैज पर पेशेंट हिस्ट्री, जैसे जन्म का बहरा है या थोड़ा सा बहरापन है, तो इस हिसाब से सर आप थोड़ा प्रकाश डालिए ताकि लोगों को समझ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया उत्तर ये है कि कान में डालने की दवाई हमारी इतनी बढ़िया विकसित हो चुकी है कि जब कान में दवाई डालते हैं तो एक घंटे में एक कान में प्रतिक्रिया होने लगती है। जन्म का बहरा बच्चा हो, पीछे से आया हुआ बहरापन हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नसें फूल गई है, नसें सूख गई है, हड्डियाँ गल रही है, माँ के पेट में पानी घूम गया है, सबको सुनाई देना प्रारंभ हो जाता है और सुनने उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है, वो फिर रेडी फॉर दी ट्रीटमेंट हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सुना, कान में दवाई डाली, सुनने लगा मतलब सब कुछ हुआ है। सुनना बड़ी बात है, सुनना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना समझना, बोलना और कान को यूजर फ्रेंडली बनाना है। तो कान को रेडी करने का मतलब आपका क्या हुआ कि आपका पूरा काम तैयार हो गया। जैसे आपको बॉम्बे जाना है तो रेडी फॉर बॉम्बे, तो कब जाएंगे, ट्रेन होगी, सामान होगा, टिकट होगी, फ्लाइट होगी, डिस्टेंशन नक्की होगा कहाँ जाना है। वैसे ही ट्रीटमेंट में भी रेडी फॉर द ट्रीटमेंट, मतलब एवरीथिंग शुड बी रेडी, और हम एक घंटे में रेडी करके दिखाते हैं कि हाउ डू यू फील नाउ, तो सर बहुत बढ़िया, थैंक यू, तब ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। वही बातें मैं आपको घर पर करने के लिए कह रहा हूँ, और हम लोग एक प्रिंट आउट भेजेंगे आपको बढ़िया सा यहाँ की ट्रीटमेंट का, कैसे कान में दवाई डाल ली है, कैसे सोया हुआ है, कैसे फर्क है, VIP क्या है, गोल्ड क्या है, क्या असर होता है, आजकल माइकोरिया क्या है, कान में सड़ान की क्या दवाइयाँ है, कैसा आजकल सड़ान की दवाई इतनी बढ़िया बना दी है कि पहले हम लोग थक जाते थे सड़ान मिटाते मिटाते, सुन रहा है समझ रहा है पर सड़ान नहीं मिट रही है, तो वो भी मिटाने लगी है। और कुछ प्रश्न हो तो बताइए। सर इसी के रिगार्डिंग कई बार पेशेंट पूछते हैं कि भाई मैंने वीडियो में देखा था कि उस भाई साहब को इतना रिजल्ट मिला था, हाँ, तो क्या मुझे भी वैसा ही मिलेगा? सर बात तो सही है, देखिए दुनिया का एक नियम है, रिजल्ट एज पर पेशेंट होता है, फिर भी परिणाम इक्वल है, लगभग अच्छे हैं, एक्सेप्ट कि जन्म का बहरापन है। अभी किसी के कान में सड़ान है तो सड़ान मिटेगी पूरी, तब ना पूरा पर समझेगा, अब कोई सब भूल गया, सब दिन बहुत बरसों से बहरापन भोग रहा है, तो सुनने के बाद में शब्दों को कान को
काम में लेना तो सीखना पड़ेगा भाई, इसीलिए तो हमने वर्ड थेरेपी डेवलप की है। आप हमारा एक वीडियो जरूर देखिए, बहरे मुंगों के स्कूल का भीलवाड़ा था, शांति स्कूल का। शांति स्कूल के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने पूरे दो दिन तक हमारे साथ में रह के सभी बच्चों की ट्रीटमेंट कराई, सबके परिणाम एक जैसे बड़े सुंदर थे। वो सभी इंडिविजुअल वीडियो डाले गए, उसमें मीडिया थी और मीडिया ने बड़ा भारी एक्सपोजर दिया था, और हमारे एक एक वीडियो बहुत जबरदस्त एक्सपोजर में है। कृपा करके हमारे से बात करने से पहले पहले वीडियो देखें, सोशल मीडिया चेक करें, और आजकल सोशल मीडिया ही सबका बाप है, वो पूरा आदमी को पूरा एक्सपोज कर देता है, कुछ नहीं छोड़ता है। टीवी मीडिया तो फिर भी आपको क्या है कि उल्टी पुल्टी बातें समझा सकता है, परंतु सोशल मीडिया नहीं समझाएगा, क्योंकि वहां तो किसी का बात नहीं है, कोई नहीं है, वो तो जो है वो डाल देगा। और यहाँ पे मैं एक बात बताना और चाहूंगा कि जो लोग डायरेक्ट यहाँ हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं, बट अपना अपॉइंटमेंट पूरा ले लेना है फोन पे, हमें एडवांस में इन्फॉर्म करना है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है उस हिसाब से हम अपॉइंटमेंट देंगे आपको। ऐसा नहीं हो कि बहुत भीड़ बच जाए। दूसरी बात, जिन लोगों को नहीं आना है और अपने घर पे बैठे इलाज करवाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि एक प्रोसीजर है सिंपल सा, कि हमारे जिन जिन नंबरों पे व्हाट्सएप चालू है उस नंबर पे आपको अपना पूरा डेटा भेजना है, और उसी नंबर से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होकर हमारे साथ पूरा लिंक करके आप अपनी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ अपना ट्रीटमेंट चालू करवा सकते हैं। यहाँ पूरी डॉक्टर की टीम है हमारी, हमारे पास पूरा टीम है, जो टीम पूरा एनालिसिस करती है पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री लेके, और फिर दवाइयाँ बनाती है और फिर यहाँ से कुरियर। हालांकि इस ट्रीटमेंट के अंदर फॉर्मूला मेडिसिन यूज की ज्यादा टीम की जरूरत नहीं, फिर भी हमने रखा है कि भैया आपको समस्या क्या है वो बता दो, क्योंकि आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, उनका जवाब मिलेगा। अच्छा, बहुत से लोग, सभी व्यक्ति आजकल प्रवीण भाई से ही बात करना चाहते हैं, विनोद भाई से ही बात करना चाहते हैं, और गोरल से ही बात करना चाहते, ऐसा मत करिए। हमारी पूरी टीम है, जिसका नंबर लगेगा बात करेगा। अब हमारे पास में लाखों लोगों के फोन आ रहे हैं, हजारों हजारों की संख्या में बात करनी पड़ती है, तो उन्हीं बात में से जिसका जो नंबर आए प्रेम से बात करिए। नहीं समझ में आए तो बार बार फोन मत करिए, एक ही बार में समझिए, पूरा वीडियो लिंक देखिए। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट लेने मतलब ट्रीटमेंट के डिसीजन में कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से सोच विचार करें फिर आगे बढ़िए। सबको रिजल्ट मिलता है, आप सबको भी मिलेगा, चिंता का कोई विषय नहीं है। बस हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है कि भाई उसका रिजल्ट ये था, मेरा रिजल्ट ये है, क्योंकि रिजल्ट एज पर मेडिकल हिस्ट्री होता है, रिजल्ट सबको मिलता है, पर कंपेयरिंग नहीं करना है। सर, एक बहुत बढ़िया बात कहता हूँ कि आज के युग में, कोरोना के युग में, हमारे महान प्रधानमंत्री यानी युग प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उन आदेशों का, उन नम्रता पूर्वक करे हुए निवेदनों का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यहाँ आने से पहले 10 बार विचार करें क्या क्या जाना जरूरी है, या ऑनलाइन दवाई मंगानी है। अरे भाई, दवाई भेज देंगे हम, तो गारंटी भी दे रहे हैं कि यदि आपकी ट्रीटमेंट अधूरी रहेगी तो फिर से करके देंगे। और अभी हम पार्ट भी ले रहे हैं, अभी 26,000 का प्रोजेक्ट मात्र 21,500 में कर रहे हैं, 5,000 रुपये आपके पास जमा रखेंगे, जब दूसरी बार आएंगे तो पूरी की पूरी ट्रीटमेंट हमारे सामने केवल 5,000 रुपये में डाल के देख करके ट्रेंड करके भेजेंगे, उस समय ट्रेनिंग भी देंगे। और एक चीज है, जो जन्म के बहरे बच्चे होते हैं, इनके लिए मैं खास बोलना चाहूंगा, उनके पेरेंट्स को बहुत वो होता है कि भाई सुराना साहब ने बोला है 1 घंटे में रिजल्ट मिल जाता है, डेफिनेटली मिलता है, पर जो जन्म का बहरा होता है उसको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं, सुनना, समझना और बोलना। यदि 3 स्टेप जब तक फॉलो नहीं हो जाते हम उसको पूरा ठीक नहीं बोल सकते हैं। तो जन्म के जो बच्चे बहरे होते हैं उनको स्पीच थेरेपी करवाना मस्ट भी उनको नेसेसरी होता है, तब जाके उनको अपना रिजल्ट समझ में आता है। केवल ये नहीं है कि दवाई खा ली अब 1 महीने में बच्चा बोलने लगेगा, उससे बुलवाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तब जाके उसका सही मायने में रिजल्ट आपके सामने। मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास में एक जन्म का बहरा बच्चा आया, बिल्कुल छोटा है, 2 महीना 3 महीने का उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 12 महीने का एक्सपेक्ट नहीं, 3 वर्ष का 4 वर्ष का हो गया, यदि आपने उसको पढ़ाना चालू कर दिया और वो लिखना सीख गया कि मेरा नाम राम है,
और वो पढ़ करके बोलेगा मेरा नाम राम है और आप भी साथ में बोलेंगे मेरा नाम राम है, तो समझ जाएगा कि इस सिग्नल का मतलब क्या है। मेरा नाम राम है बोलना सीख जाएगा, ये बात पक्की है। पर यदि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, केवल दादा काका ताली बजाना पीछे से ताली बजाना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रोफेशनल ढंग से उसको तैयार करना, घर के सबको लगना पड़ेगा। ईश्वर ने आज तक संसार के अंदर क्या था कि एक ही बात कही जाती थी, नसें सूख गई है, ऑपरेशन करा, सर्जरी करा, कोक्लियर करा, नहीं तो इस जन्म में बहरेपन के साथ में जीना सीख। हम कहते कोई जरूरत नहीं है, ना ऑपरेशन की जरूरत है, ना सर्जरी की जरूरत है, ना मशीनों की जरूरत है, कुछ भी नहीं। मशीन कब लगेगी? कान होगा तो मशीन लगेगी ना बेटा, बिना कान के मशीन लगा दो कहता उसके। पहले कान चालू करो, नसें चालू करो, उसका कोक्लियर करो, मेमोरी डेवलप करो, उसका मेडुला डेवलप करो, उसको ट्रेनिंग दो। और हमारे साथ में हम लोगों ने ऐसी ऐसी दवाइयाँ तैयार की है जो उसके मेमोरी और कॉन्फिडेंस को भी क्रिएट करती है। आशा करता हूँ हमारी ये बातचीत के दौरान आपके बहुत सारे कंफ्यूजन के मतलब जो सवाल थे उनके जवाब आपको प्राप्त हो गए होंगे। और इनकेस अभी और भी कोई सवाल है तो आप हमसे फोन पे बात करके भी क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।